नमस्कार, आप देख रहे हैं छोटा नागपुर लाइव का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज की स्पेशल रिपोर्ट में स्वागत है। आजादी का जश्न अभी खत्म भी नहीं हुआ था कि झारखंड का खरसावां गोलीकांड एक बार फिर जालियांवाला बाग हत्याकांड की याद दिलाता। दरअसल आज से करीब 75 वर्ष पूर्व 1 जनवरी 1948 को हुई इस घटना में बड़ी संख्या में लोग शहीद हो गए। सैकड़ों लोगों के खून से खरसावां घाट मैदान लाल हो गया। इस घटना के संबंध में कहा जाता है कि 1947 में आजादी के बाद पूरा देश राज्यों के पुनर्गठन के दौर से गुजर रहा था। तभी अनौपचारिक तौर पर 14-15 दिसंबर को ही खरसावां व सरायकेला रियासतों का ओडिशा में विलय का समझौता हो चुका था। 1 जनवरी 1948 को यह समझौता लागू होना था। इस दौरान उसी दिन आदिवासी नेता जयपाल सिंह ने खरसावां व सरायकेला को ओडिशा में विलय करने के विरोध में खरसावां हाट मैदान पर एक विशाल जनसभा का आह्वान किया था। इस जनसभा में कोल्हान समेत कई इलाकों से हजारों की संख्या में लोग पहुंचे थे। दिल्ली के मद्देनजर पर्याप्त संख्या में पुलिस बल भी तैनात किए गए, लेकिन किसी कारणवश जनसभा में जयपाल सिंह नहीं पहुंच सके। तभी पुलिस वो जनसभा में पहुंचे लोगों ने किसी बात को लेकर विवाद हो गया, जिसके बाद वहां पर गोलियां चली गई। इसमें पुलिस की गोलियों से सैकड़ों लोगों की जान चली गई। हालांकि आज तक इस गोलीकांड में हुई मौत का सही आंकड़ा नहीं पता चल सका है। बताया जाता है कि मारे गए लोगों के शवों को खरसावां हाट मैदान स्थित एक कुआं में भरकर मिट्टी से पाट दिया गया। ये जगह आज शहीद बेदी व हाट मैदान शहीद पार्क में तब्दील हो चुकी है। इस गोलीकांड की घटना पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया। तत्कालीन समाजवादी नेता डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने खरसावां गोलीकांड की तुलना तो जलियांवाला बाग हत्याकांड से कर डाली। उन दिनों देश की राजनीति में बिहार के नेताओं का अहम स्थान था और वे भी ये विलय नहीं चाहते थे। इस घटना का असर ये हुआ कि सरायकेला जिले के ओडिशा में विलय रोक दिया गया और सरायकेला खरसावां रियासत क्षेत्र का विलय बिहार राज्य में कर दिया गया। शहीदों की संख्या बताने वाला कोई सरकारी दस्तावेज तो नहीं है, लेकिन खरसावां गोलीकांड पर वरिष्ठ पत्रकार और प्रभात खबर के कार्यकारी संपादक अनुज कुमार सिन्हा की किताब झारखंड आंदोलन के दस्तावेज शोषण संघर्ष और शहादत में एक अलग से अध्याय है। इस अध्याय में वो लिखते हैं कि मारे गए लोगों की संख्या के बारे में बहुत कम दस्तावेज उपलब्ध है। वही पूर्व सांसद और महाराजा पीके देव की किताब मेमोर ऑफ द बाइगन एरा के मुताबिक इस घटना में 2000 लोग मारे गए थे। तब के कलकत्ता से प्रकाशित अंग्रेजी अखबार दी स्टेटमेंट्स ने घटना के तीसरे दिन अपने 3 जनवरी के अंक में इस घटना से संबंधित एक खबर छापी, जिसका शीर्ष था 35 आदिवासी किल्ड इन खरसावां। इस अखबार ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि खरसावां का ओडिशा में विलय का विरोध कर रहे 30,000 आदिवासियों पर पुलिस ने फायरिंग की। इस गोलीकांड की जांच के लिए ट्रिब्यूनल का भी गठन किया गया, पर उसकी रिपोर्ट का क्या हुआ किसी को पता नहीं। झारखंड आंदोलनकारी और पूर्व विधायक बहादुर उरांव की उम्र घटना के वक्त करीब 8 साल। खरसावां के बगल के इलाके झिलगदा में उनका ननिहाल है। सबसे पहले उन्होंने बचपन में ननिहाल जाने पर खरसावां गोलीकांड के बारे में सुना और फिर आंदोलन के क्रम में इसके इतिहास से रूबरू हुए। उन्होंने बीबीसी को बताया कि गोलीकांड का दिन गुरुवार और बाजार हाट का दिन था। सरायकेला और खरसावां स्टेट को ओडिया भाषी राज्य होने के नाम पर ओडिशा अपने साथ मिलाना चाहता था और यहाँ के राजा भी इसे लेकर तैयार थे, मगर इलाके की आदिवासी जनता ना तो ओडिशा में मिलना चाहते थे और ना ही बिहार। उसकी मांग अलग झारखंड राज्य की थी। झगड़ा इसी बात को लेकर था। ऐसे में पूरे कोल्हान इलाके से बूढ़ा बुढ़िया जवान बच्चे सभी 1 जनवरी को हाट बाजार करने और जयपाल सिंह मुंडा को सुनने देखने भी गए थे। जयपाल सिंह अलग झारखंड राज्य का नारा लगा रहे थे। जयपाल सिंह मुंडा के आने के पहले ही भारी भीड़ जमा हो गई थी और पुलिस ने एक लकीर खींचकर उसे पार नहीं करने को कहा था। नारेबाजी के बीच लोग समझ नहीं पाए और अचानक पुलिस की आवाज, बड़ी संख्या में लोग मारे गए। अभी जो शहीद स्थल है वहाँ एक बहुत बड़ा कुआं था। ये कुआं वहाँ के राजा रामचंद्र सिंह देव का बनाया हुआ था। इस कुएं को न केवल लाश बल्कि अधमरे लोगों से भी भर दिया गया और फिर उसे मिट्टी से ढक दिया गया। बता दें कि मशीन गन गाड़कर लकीर खींची गई। लकीर खींचने की बात की तस्कीर खरसाओं में रहने वाले रजब अली भी करते हैं, जिनकी उम्र गोलीकांड के वक्त करीब 15 साल थी। गोलीकांड के दिन उन्होंने सभा के लिए लोगों को इकट्ठा होते हुए देखा था। गोलीबारी के दौरान वो घटनास्थल से कुछ ही दूर पर कब्रिस्तान के पीछे थे। ज्ञात हो कि सरकारी स्तर पर 2 शहीदों के आश्रितों को मिला है सम्मान। वर्ष 2016 में मुख्यमंत्री रघुवर दास ने खरसावां गोलीकांड के 2 शहीद महादेव बूटा के सिंगराय बोधरा व बाईडी के डोलो मान की सोय के आश्रितों को सम्मान 1,00,000 रुपए की राशि देकर सम्मानित किया। इन 2 शहीदों के अलावा सरकारी स्तर पर किसी भी अन्य शहीद के आश्रित की ना तो पहचान हो सकी और ना ही सरकारी स्तर पर सम्मान राशि दी गई, जबकि शहीदों को सम्मानित करने की मांग हर बार उठता रहा है। कैसा लगा खरसावां गोलीकांड को लेकर हमारी स्पेशल रिपोर्ट, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियोस को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। जोहार।